इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल बहुत अनकरीब है और यौम पैदाइश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी नाम पर पूरी दुनिया भर में कंपैशन डे के नाम से मनाया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं वर्क ऑर्गेनाइजेशन की मोहतरमा आफरीन सुमैया, जो वर्क फाउंडेशन के लिए वो काम कर रही हैं और कंपैशन डे के ताल्लुक से वो कुछ अपने ख्यालात का इजहार करना चाहती हैं। हम मुखातिब होते हैं। सबसे पहला आपका खैर मकदम, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल पर। आप बताइए कि आपका जो वर्क फाउंडेशन है, इसे किस तरह से आप कामों को अंजाम दे रही हैं और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें रहमतुल आलमीन कहा जाता है, सारी दुनिया के लिए वो रहमत बनाकर भेजे गए, तो इस जो वर्क फाउंडेशन या वर्क ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से कामों को अंजाम दे रहा है, तो आप हुबले और बेलगाम के लिए ये मोहतरमा आफरीन सुमैया ये सदर हैं और ये अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और उस दिन क्या करना चाहिए उम्मत को, लोगों को, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों के नबी बनाकर नहीं भेजे गए, सारी दुनिया के लिए, सारी आलम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुलिल आलमीन बनाकर भेजे गए और इसी नाम पर ये जो कंपैशन डे के नाम से मनाया जा रहा है। मोहतरमा आफरीन सुमैया अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वर्क का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिलीजन एंड नॉलेज। ये ऑर्गेनाइजेशन 1987 में बनाई गई थी, जिसके फाउंडर शम्स नवेद उस्मानी और प्रेसिडेंट अल्लामा तारिक है। ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम हमारे सोसाइटी में शांति के माहौल को बनाए रखना है, लोगों के दिलों की नफरतों को दूर करना है, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना है और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट काम ये है कि जहाँ पे हमारी कम्युनिटी में बहुत सारी गलतफहमियाँ फैली हुई हैं, उसको दूर करने के लिए वर्क ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, जिसके लिए वर्क के प्रेसिडेंट अल्लामा तारिक साहब को दिल्ली कमीशन माइनॉरिटी के तरफ से 2019 में स्ट्रगल फॉर कम्युनिटी हारमोनी का अवार्ड भी मिला है। वर्क के जो वॉलंटियर्स हैं वो सभी धर्म के लोगों से मिलते जुलते हैं, उनके बीच में इंसानियत का पैगाम लोगों के बीच में रखते हैं, इंसानों को इंसानों से जोड़ते हैं, तो वर्क का ये मेन फोकस एरिया है। आप वर्क के वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका डिटेल्स ये है कि workglobal.in workglobal.in। तो वर्क के तरफ से पूरे इंडिया भर में इनके वॉलंटियर्स लगातार इस कामों में लगे हुए हैं। अभी जो ये कंपैशन मंथ की ये मुहिम जो चल रही है, इसके तहत वर्क के मेंबर्स ये चाह रहे हैं कि चूंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम खास आता है इस 12 रबीउल अव्वल के दिन, और सारी दुनिया में गैर मुसलमान भी जानते हैं कि इस दिन इनके नबी का जन्मदिन है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये भी है कि कोई तकलीफ दे रास्ते की चीज़ को हटा देना भी सदका है। हम ये चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी पहचान रहमतुल आलमीन है, उनके मानने वाले हम मुसलमान भी दुनिया के लिए रहमत बने। पर बदकिस्मती से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान की पहचान कई वजहों से गलत मीडिया के प्रोपागंडा से या खुद लोगों की इग्नोरेंस के वजह से या मुसलमानों की खुद अपनी गलतियों के वजह से मुसलमान बदनाम हुए हैं, तो हम इस पहचान को सही करने का काम करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया और इंसानियत के लिए कंपैशनेट थे, तो उनका ये पहलू हम दुनिया के सामने नुमाया करना चाहते हैं कि हम उस नबी के नुमाइंदे हैं, उनके मानने वाले हैं, जिनको कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कंपैशनेट कहा है, तो हम भी कंपैशनेट का काम करें। इस महीने में खास इस ये मैसेज भेजें लोगों के सामने कि हम सब रहमतुल आलमीन के नुमाइंदे हैं। हम वो काम करेंगे जिसमें समाज में कंपैशन, करुणा, रहमत हो। हम सोसाइटी में किसी फितने फसाद
या गलत कामों की वजह नहीं बनेंगे। हमारी पहचान ये होनी चाहिए कि ये जो मुसलमान लोग हैं रहमत का काम करते हैं, इसलिए हम ये मुहिम चला रहे हैं। और आप और हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग हैं जो भी अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़े रखते हैं और उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र के हो या किसी भी जमात से जुड़े हुए हो, वो भी इस मुहिम का हिस्सा बने। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का अपना एफर्ट नहीं रहेगा, ये सारे मुसलमानों की कोशिश रहेगी जो ये कोशिश करेगी कि रहमत का काम हो और रहमत का काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंसूब करके हो। और हम इस पिटीशन को दायर करने की कोशिश भी कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से, इस 12 रबीउल अव्वल के दिन को खास कंपैशनेट डे डिक्लेयर किया जाए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस डे को पूरी दुनिया में कंपैशन डे के नाम से डिक्लेयर किया जाए। तो मेरी आपसे अजीजन गुजारिश है कि वर्क के या मुसलमानों के अपने इस काम में आप हिस्सा लें, वेबसाइट पर जाए, पिटीशन साइन करें और खैर के काम करें, लोगों से हुस्न अखलाक का बर्ताव करें और अपनी पहचान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान के तहत बनाएं और इस मुहिम को कामयाब बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।